हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है या फिर जिनकी बॉडी में पूरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हाई बीपी की समस्या है, जिनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो हर दिन कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई खा रहे हैं, तो इस वीडियो को, रेमेडी को एंड तक जरूर देखिएगा। पूरे विश्वास के साथ रेमेडी को देखिएगा और फॉलो कीजिएगा ताकि बुरा कोलेस्ट्रॉल बाहर हो जाए बॉडी से। दोस्तों, उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मुझे करीब ऐसे 100 लोगों की जरूरत है जो कि मिलकर हेल्थ की दुनिया में काम करें। अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर के व्हाट्सएप पर आप यस लिख के भेजिएगा तो सारी जानकारी आपके पास कॉल आएगी, आपको मिल जाएगी। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो उम्र आपकी 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपकी एज 70 से कम होनी चाहिए। तो आप बहुत आराम से इसे घर पर बैठे बैठे 1 से 3 घंटे काम करना होगा, बड़े आराम से इसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार उनको पता ही नहीं चलता कि अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उन्हें स्टंट डलवाना पड़ता है। तो आपके दिमाग में क्या आता है कि स्टंट डलवाने से ये समस्या खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, ये खत्म नहीं हुई है बल्कि और गंभीर रूप इसने धारण कर लिया है। सबसे पहले ये जानते हैं कि आपने इस रेमेडी को अप्लाई कैसे करना है। उससे पहले आपको बता दूं कि किन चीजों को आपने परहेज करना है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने बिल्कुल नहीं खानी अगर आप अपनी कोलेस्ट्रॉल को ठीक करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज है दोस्तों, एनिमल फूड्स। दोस्तों, आप ये कहते होंगे ना कि एनिमल फूड से आपको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो प्रोटीन आपको प्राकृतिक चीजों से मिलता है, प्लांट बेस्ड चीजों से मिलता है, वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। चाहे वो कैल्शियम अगर आपको एनिमल फूड से मिल रहा है, लेकिन वो इजी डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रोटीन भी कहते हैं, वो भी इजी डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसे डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन जो प्राकृतिक होता है, प्लांट बेस्ड होता है, तो वो बहुत इजीली हमारी बॉडी को मिल जाता है, हम उसे डाइजेस्ट कर पाते हैं। अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मांस मच्छी नहीं खाते, यानी नॉनवेज नहीं खाते, लेकिन हम दूध पीते हैं, बच्चों को भी दूध देते हैं, क्योंकि दूध तो पीना चाहिए, इसमें तो बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। बिना दूध पिए तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो आपसे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि दूध पी पी कर ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, इसका जिम्मेवार कौन है? लेकिन आपकी तो हड्डियां भी कमजोर है, हड्डियों में भी दर्द हो रहा है। जो लोग बरसों से दूध पी रहे हैं, क्या उनको कभी भी फ्यूचर में जॉइंट पेन नहीं होगा? क्या आज के टाइम में उनके घुटने दर्द नहीं होते, उनको थकावट नहीं होती? तो आज से आपको क्या करना है, अगर कोलेस्ट्रॉल और हाई बीपी को नॉर्मल रखना है तो एनिमल फूड, चाहे वो दूध है, आपने उसे अवॉइड कर देना है, नॉनवेज है उसे अवॉइड कर देना है। अब जानते हैं कि हमने कौन सी रेमेडी तैयार करनी है जो कि कैल्शियम का पावर हाउस है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर कर देगा। तो दोस्तों, आप कैल्शियम को अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए नेचुरल साधन ले सकते हैं, जैसे कि आप सफेद तिल रात को भिगो दीजिए 1 चम्मच और सुबह इसका सेवन कर लीजिए। आप सफेद तिल ले सकते हैं, आप काले तिल ले सकते हैं। आप रोजाना 1 चम्मच अलसी का भिगो दीजिए और सुबह अलसी का सेवन कर लीजिए। आप रागी का सेवन कर सकते हैं, रागी में अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। दोस्तों, आप रागी की इडली बनाकर खा सकते हैं, रागी की रोटी बनाकर खा सकते हैं, रागी का दलिया बनाकर भी खाया जाता है। तो अगर आप नेचुरल चीजों से इसे कैल्शियम को लेते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट हो जाता है। और अब अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि प्रोटीन कहाँ से लें, बाकी के मिनरल्स कहाँ से लें, तो आप ताजे फल और सब्जियों का सेवन कीजिए, कच्ची सब्जियों को अच्छे से धोकर उनका सेवन कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं उस रेमेडी की जिसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी से दूर हो जाएगा, हमारा खून पतला हो जाएगा, आर्टरीज क्लीन हो जाएंगी। तो वो साधारण सी चीज है दोस्तों, दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी का पाउडर आपने लेना है। दूसरी चीज हमने यहाँ लेनी है अर्जुन की छाल, इनका भी हमने ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लेना है, या फिर आप इसका ऐसे भी पाउडर ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 1-1 ग्राम की मात्रा में दोनों चीजें लेनी है, यानी 1 ग्राम आपने अर्जुन की छाल लेनी है, 1 ग्राम आपने दालचीनी लेनी है। आपने 1.5 कप पानी के अंदर इन दोनों चीजों को डाल देना है। जब ये दोनों चीजें उबल जाएं, उबलने के लिए रख देनी है, और जब ये दोनों चीजें उबल जाएं तो इन्हें छान सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी ले सकते हैं। आपने इसके अंदर गुड़ मिक्स कर देना है मिठास के लिए। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर आप गुड़ से एलर्जी है फिर भी आपने गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना। आपको इससे सिप सिप करके चाय की तरह पीना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप सब्जियों का जूस ले सकते हैं या फिर ताजे फल ले सकते हैं, जो भी नेचुरल चीजें हैं अपने खाने में शामिल कीजिए। दिन भर में आपको ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दूध वाली चीजें नहीं लेनी, एनिमल जो भी चीजें हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, नेचुरल प्लांट बेस्ड चीजें लेनी है जो कि इजीली डाइजेस्ट हो सके। आपने पानी ज्यादा पीना है,
क्योंकि दालचीनी की तासीर गर्म होती है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 1 ग्राम ही ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा गर्मियाँ चल रही है तो 1 ग्राम से ज्यादा हमने दालचीनी का इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अपनी बॉडी को हाइड्रेट करते रहिए, बुरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी से बाहर हो जाएगा, HDL बॉडी में बढ़ने लगेगा। जो मैंने आपको चीजें बताई है परहेज में उनका सेवन बिल्कुल ना करिएगा। ऑयली चीजों से दूरी बना लीजिए, मैदा नहीं लेना, चीनी नहीं लेनी आपने, ज्यादा नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना। आप बुरे कोलेस्ट्रॉल से और हार्ट अटैक से ताउम्र बचे रहेंगे और किसी भी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों ये जानकारी इन्फॉर्मेशन यहीं तक थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।